मैं अपना मील एंजॉय कर रहा हूँ गाइस। इस मैगी आज आप तक। अरे पकड़ने की बात छोड़, हम उनको कोई टच भी नहीं कर सकता समझी। दोस्तों हो सकता है कि ये वीडियो क्लिप देखने के बाद आपके मन में भी ये सवाल आया हो कि क्या सच में मैगी खाकर बॉडी या मसल बिल्ड की जा सकती है, या फिर ये सिर्फ व्यूज के लिए हमें पागल। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैगी के न्यूट्रिशनल कंटेंट के बारे में एंड सभी चीज़ों को फिगर आउट करके देखेंगे कि क्या सच में मैगी खाने से आप अच्छा मसल मास बिल्ड कर सकते हैं या फिर क्या आप सच में हेल्थी रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मसल बिल्ड करने के लिए हमें किन चीज़ों का खास ध्यान रखना होता है। वो है नंबर वन हमारा वर्कआउट, नंबर टू हमारा रेस्ट या फिर रिकवरी, एंड नंबर थ्री हमारी डाइट या फिर हमारा न्यूट्रिशन। सो वन एंड टू को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे डाइट या न्यूट्रिशन को। तो जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है वो है हमारे मैक्रोज एंड माइक्रोज हमें अच्छी क्वांटिटी में मिल रहे हैं या नहीं, जिससे कि हमारी मसल बिल्ड या हेल्थी रहने में हमें हेल्प होगी। तो आइए अब बात करते हैं मैगी के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में, जिससे कि हमें पता चलेगा कि क्या मैगी सच में हमारे लिए हेल्पफुल है या नहीं। अलग अलग मैगी की न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है बट ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो हम यह डिस्कस करेंगे एक एवरेज मैगी के 230 ग्राम्स की सर्विंग के बारे में। अगर सबसे पहले हम बात करें कैलोरीज की तो हमें पर सर्विंग में मिलती है अप्रॉक्स 300 के आसपास कैलोरीज, जो कि ना ही ज़्यादा है ना ही कम। खैर इसे साइड रखकर बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन की, जो कि है प्रोटीन। तो एक 230 ग्राम्स की सर्विंग में हमें मिलता है ओनली 7 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन, जो कि मसल बिल्डिंग के हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा कम है। तो प्रोटीन के मामले में तो मैगी पीछे रहती है। आइए अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो इस 230 ग्राम्स की सर्विंग में आपको मिलेंगे 43 ग्राम्स के आसपास कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ये जो कार्ब्स है वो आपको मिलेंगे इसके अंदर प्रेजेंट रिफाइंड फ्लावर यानी कि मैदे से। जैसा कि आप में से कई जानते ही होंगे कि मैदा हमारी बॉडी के लिए कितना नुकसानदायक है, एंड साथ ये प्रोसेस्ड फ्लावर हमारी बॉडी में बहुत ही जल्दी शुगर को बढ़ाता है, जिससे कि हमारी बॉडी का इंसुलिन लेवल बढ़ता है, जिससे कि ज़्यादा क्वांटिटी लेने से हमें आगे चलकर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ सकती है। अब अगर बात करें फैट्स के बारे में तो इस 230 ग्राम्स की सर्विंग में हमें मिलते हैं अप्रॉक्स 10.7 ग्राम्स के आसपास, जो कि ऑब्वियसली इसमें ट्रांस फैट ज़्यादा होगा जो कि इसमें मेंशन नहीं किया गया। नेक्स्ट अगर बात करें फाइबर्स के बारे में तो इस पर सर्विंग में हमें मिलेंगे ओनली 2.8 ग्राम्स के आसपास आपको मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। फाइनली बात करें इसमें प्रेजेंट सोडियम की तो इसकी पर सर्विंग में आपको मिलेंगे 870 मिलीग्राम्स के आसपास आपको सोडियम मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। दरअसल सोडियम ज़्यादा कंज्यूम करने से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो अगर बात करें मैगी को डेली खाने के बारे में तो जैसा कि सब देखने से साफ पता चल रहा है कि मैगी हमारी बॉडी के लिए कितनी हार्मफुल है, एंड ऑब्वियसली न्यूट्रिशन फैक्ट्स के हिसाब से ये हमारी मसल बिल्डिंग में कुछ भी हेल्प नहीं कर रही। उल्टा इसे लॉन्ग रन तक कंज्यूम करने से आपको ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, इसलिए मेरे ओपिनियन में बिल्कुल भी अच्छा न्यूट्रिशन सोर्स नहीं है। तो फाइनली अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही फिटनेस रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहूँगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्थी स्टे फिट।